नमस्कार दोस्तों, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। ज्योतिषी शास्त्र में राशिफल के माध्यम से विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। राशिफल रोजाना की भविष्य का कथन करता है, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर होता है। नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर जरूर लगाए। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से 12 राशि के जातकों का क्या आज का राशिफल रहेगा। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके आकर्षण और साथ ही व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त भी मिलेंगे। अचानक हुई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए उलझन पैदा कर सकती है, तो किसी भी तरह की साझेदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना को बात जरूर सुने। साथ ही उन लोगों से तरफ वादे का हाथ बढ़ाए जो आपके मदद के लिए गुहार करेगा। जीवन साथी से पूर्ण रूप से सहयोग न मिलने के कारण आप निराश हो सकते हैं। अब आपको क्या कुछ उपाय करना चाहिए, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं। नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर जरूर लगाए, इससे जरूर आपको फायदा होगा। चलिए अब बात करेंगे मेष राशि के बाद वृषक राशि के बारे में। जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे, आपकी घबराहट गायब हो जाएगी। जल्दी ही आप पाएंगे कि ये परेशानी साबुन के उस बुलबुले की तरह है जो छूते ही फूट जाती है। आज के दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार ना दें। यदि देना भी जरूरी है तो देने वाले से लिखित में ले लें कि वो पैसा वो कब वापस करेगा। परिवार के सदस्य की जरूरत को तरजीह दें और साथ ही उसे सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहती है, तो आज आप कोई नई पुस्तक खरीदें। किसी कमरे में खुद को बंद करके आप पूरा दिन गुजार सकते हैं। वैवाहिक जीवन के कुछ फायदे भी होते हैं और आप उन्हें आज हासिल कर सकते हैं। अब आपको उपाय बताते हैं। मीठे चावल बनाकर गरीबों को बांटने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। वृष राशि वाले जातकों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, बाकी आप उपाय जरूर करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। पेचीदा हालात में फंसने पर घबराए नहीं। जैसे खाने में थोड़ा सा तीखापन उसे और लजीज कर देता है, उसी तरह ऐसी परिस्थिति आपको खुशियों की सही कीमत बताती है। अपना मूड बदलने के लिए किसी भी सामाजिक आयोजन में जरूर शिरकत करें। बीते दिनों जितना धन आपने आज के लिए बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, उसका फायदा आज आपको जरूर मिलेगा। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। आपका प्रिय आज रोमांटिक मूड में होगा। दलालों और व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि उनके मांग में इजाफे से फायदा होगा। कार्यक्षेत्र में किसी काम के अटकने की वजह से आज आपका शाम की कीमती वक्त जो है वो खराब हो सकता है। साथ ही आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, उपाय बताना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे आप हर समय से निकल सके, और साथ ही उपाय पर नज़र डालते हैं। सूर्य की धूप घर में आने का प्रबंध करें, स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। दूसरे के साथ खुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। दीर्घ वृद्धि मुनाफे में नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। कोई भी दोस्त आपकी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे आज मशवरा मांग सकता है। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं, तो दिन की शुरुआत से अंत तक आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपकी कीमती समय बर्बाद हो सकता है। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन रुक सकती है, इसलिए वाद विवाद की हालात में पुराने दिनों को याद को ताजा जरूर करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए उपाय बता देती हूँ। प्रेम प्रेमियों को नीले फूल गिफ्ट में देने से प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। अब कर्क राशि के बाद बात करेंगे सिंह राशि की।
खुद को उत्साही बनाए रखने के लिए अपनी कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर बनाएं। दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार और दोस्त घर आ सकते हैं। आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोड़ ले सकती है। आपके साथी आज आपसे शादी को लेकर बात कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको विचार अवश्य करना चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत और निष्ठा खुद आपके लिए बोलेगी और दूसरों का विश्वास और सहयोग आपको हासिल होगा। चलिए आपको उपाय बता देती हूँ। गरीब कन्याओं को चॉकलेट बांटने से प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। देखिए, राशियों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो हर बात को गौर से सुने जिससे आपको पता हो कि क्या होने वाला है आपके साथ। चलिए बात करेंगे आप कन्या राशि की। शरीर में किसी अंग में दर्द होने की संभावना है। किसी भी ऐसे काम से बचे जिससे ज्यादा शारीरिक मेहनत की जरूरत हो। पर्याप्त आराम भी करें। आपके भाई बहन में से कोई आपसे पैसे उधार मांग सकता है, तो आप उनको पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब हो सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल या संबंधी से यहाँ जाने की संभावना है। काफी वक्त फोन ना करने से आप अपने प्रिय से तंग करेंगे। आप दफ्तर में माहौल में बेहतरी और साथ ही कामकाज के स्तर में सुधार से महसूस कर सकते हैं। दिन के अंत में आज आपने अपने घर के लोगों को वक्त देना चाहोगे, लेकिन इस दौरान घर के किसी करीबी के साथ आपको कहासुनी हो सकती है, इसलिए आपका मूड भी खराब हो सकता है। साथ ही आसक्तता के वजह से आप वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आपको जरूरत है कि जीवन साथी के साथ आत्मीय बातचीत आप करें। उपाय पर अब एक बार नजर डालते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए आपके घर के मध्य स्थान पर यानी कि ब्रह्म स्थान को साफ रखें। और अब बात करेंगे तुला राशि की। जीवन साथी की खराब तबीयत के कारण आज आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन आपको इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन इसलिए बचाया जाता है क्योंकि बुरे समय पर वो काम आ सके। प्रेमी एक दूसरे को पारिवारिक भावनाओं को समझेंगे। व्यवसाय में नए विचारों का स्वागत खुले दिमाग और तेजी के साथ करें। ऐसा करना आपके पक्ष में रहेगा। आपको उन्हें अपनी मेहनत से हकीकत में बदलने की जरूरत है, जो व्यवसाय में बने रहने का मूल मंत्र है। काम में दिलचस्पी बनाए रखने के लिए खुद को शांत रखें। दिन के अंत में आज आप अपने घर के लोगों को वक्त देना चाहेंगे, लेकिन घर के किसी करीबी के साथ कहासुनी हो सकती है, तो मूड खराब हो सकता है आपका। इसलिए आपके जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ते का काम करेंगे। आपको आज ये एहसास होगा। तुला राशि वाले जातक खुद को शांत रखें, क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो कहां सुनी हो सकती है। इसलिए उपाय जानना काफ़ी ज़रूरी है। हरे तोते तोती के जोड़ों को पैसे देकर अजान करवाने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे और आपको उपाय बताएंगे। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रखने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास आज असफल हो सकता है, हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति जल्द ही सुधरेगी। उन्हें रिश्तेदारों को देखने जाए जिनकी तबीयत काफ़ी समय से खराब है। आज आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने संगी से साझा करना चाहोगे, लेकिन वो आपकी परेशानियों के बारे में बात के आप को और साथ ही ज्यादा परेशान कर देंगे। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आपके सबसे दूर होकर आपके लिए वक्त निकालेंगे, अपने आप के लिए वक्त निकालेंगे। किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ जाएगा। चलिए उपाय बता देती हूँ आपको। आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए हाथ में सोने की अंगूठी जरूर पहने। अब धनु राशि का रुख करते हैं। चोट से बचने के लिए सावधानी से बैठे, साथ ही सही तरीके से कमर सीधी करके बैठना ना केवल व्यक्तित्व में सुधार लाता है, बल्कि सेहत और आत्मविश्वास का स्तर भी ऊपर ले जाता है। अनचाहा कोई मेहमान आज आपके घर आ सकता है। आज आप धैर्य की कमी रहेंगे, इसलिए संयम बरतें, क्योंकि आपकी तलखी आसपास के लोगों को दुखी कर सकती है। विवाह प्रस्ताव के लिए सही समय है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के लिए बदल सकता है। दफ्तर की राजनीति हो या फिर कोई विवाद, चीजें आपके पक्ष में
चुकी हुई नजर आएगी। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी आपके लिए समय मिल पा रहा है तो आपको इस समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। ऐसे करने से भविष्य में आप सुधार सकेंगे। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने की उम्मीद मिल सकती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए उपाय बता देती हूँ। माता से संबंध अच्छे रखें और उनका भूल कर भी निराधार ना करें, इससे फैमिली लाइफ अच्छी होगी। धनु राशि के बाद अब मकर राशि की बात करते हैं। धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपके सफलता जरूर मिलेगी। आपका बचाया धन आज आपके काम आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही इससे जाने का भी आपका दुख होगा। जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज़्यादा मददगार साबित होगा। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है क्योंकि आप आज सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की ज़रूरत है। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेगी जिसकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। चलिए अब जल्दी से उपाय बता देती हूँ। संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ने से प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और उपाय करने से आप हर संकट से दूर रहोगे। बात अब कुंभ राशि की करते हैं। आज अगर आपसे किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। अपनी सहानुभूति और समझ को पुरस्कार मिलेगा। साथ ही सावधान रहे क्योंकि जल्दबाजी में लिया कोई भी फैसला दबाव बना सकता है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रूमानी हो। व्यवसाय में किसी धोखेबाज से बचने के लिए आँख कान खुले रखें। आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिलने जाने की जरूरत है जो ऊंची जगहों पर रह रहे हो। चलिए अब उपाय पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सफेद रेशमी रुमाली अपने जेब में रखने से नौकरी और साथ ही बिजनेस में उन्नति मिलेगी। अब चलिए अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। आज के दिन आप काम को अलग रखकर थोड़ा आराम कर सकते हैं। कुछ ऐसा करें जिससे आपकी दिलचस्पी हो। आपको मेरी सलाह है कि शराब सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्च ना करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब कर सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। अगर बातचीत और चर्चा आपके मुताबिक ना हो तो आप नाराज और हो सकते हैं और साथ ही कड़वी बात भी बोल सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है। इसलिए भली भांति सोचकर बोले। अपने के बिना समय बिताने में दिक्कत महसूस करेंगे। व्यावसायिक साझेदारी सहयोग करेगी और आपके साथ मिलकर टलने या रहे काम को पूरा कर सकेंगे। वहीं बिना बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाओं तो गड़बड़ा सकती है, साथ ही आपका दिन भी खुशनुमा हो जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कड़वी बातें बोलने से आप जरूर बचे। उपाय आपको बता देती हूँ। बुध विष्णु रूप होने से इसकी प्रसन्नता के लिए हो सके तो मांस मंदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, इससे आर्थिक उन्नति होगी। हमारे खास पेशकश बोलते तारे में सिर्फ आपको ये नहीं बताया जाता है कि क्या कुछ समस्या हो सकती है, बल्कि इसका उपाय भी आपको बताया जाता है। इसलिए अपना आप ध्यान रखें और उपाय जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।